क्या संजीवनी बूटी केवल लक्ष्मण के लिए आई थी? भगवान श्री राम, जो कि एक महान योद्धा थे, लंकापति रावण द्वारा माता सीता का हरण किए जाने पर वे रावण से युद्ध करने पर उन्मत्त हो गए। इसी कारण जब भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध में दोनों ओर से कई योद्धा मारे गए थे, जिनमें अनेकाएक वानर और राक्षस भी शामिल थे। युद्ध के दौरान जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को अपने दिव्यास्त्र से मूर्छित कर दिया, तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या संजीवनी बूटी की व्यवस्था सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही की गई थी? क्या वानरों को भी मिला संजीवनी बूटी का लाभ? क्यों इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को नहीं मिला इसका लाभ? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े हुए अपडेट समय पर मिलते रहे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर अपना दिव्यास्त्र छोड़ा, तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे वीर, तुम्हें हिमालय पर्वत पर चार तरह की औषधियां मिलेंगी। के नाम है मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी, संधानकर्णी। ये बूटियां अत्यंत चमकीली हैं और इनकी चमक से चारों दिशाएं रोशन हो जाती हैं। इन औषधियों से जो युद्ध में घायल हुए हैं वे ठीक हो जाएंगे, अतः उनके घाव स्वतः ही भर जाएंगे और जो इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे पुनः जीवित हो उठेंगे। इन्हीं औषधियों को तुम्हें लेकर आना है। जामवंत जी के कहे अनुसार हनुमान जी श्रीराम की आज्ञा लेकर हिमालय पर संजीवनी बूटी लेने गए। जब वे संजीवनी बूटी वाले पर्वत शिखर पर पहुंचे, तो यहां अनेकाएक औषधियों को देख वह विस्मित हो गए। इन सभी औषधियों की चमक से वह पूरा पर्वत जगमगा रहा था। हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि आखिर इन सब में वह चार औषधि कौन सी हैं जिनके बारे में जामवंत ने उन्हें बताया था। इसी दुविधा के कारण वे पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, तो इन औषधि की गंध सूखने मात्र से ही श्रीराम और लक्ष्मण के घाव भर गए तथा युद्ध में घायल वानर सेना पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई और मृत वानर भी पुनः जीवित हो उठे। इसके बाद हनुमान जी इस पर्वत को वापस उसी स्थान पर रखकर श्री राम के पास वापस लौट आए। वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र भी हुआ कि औषधि केवल लक्ष्मण के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान श्री राम और युद्ध में घायल हुए वानरों के लिए भी आई थी, परंतु इन औषधियों का असर समस्त राक्षस सेना पर नहीं हुआ। इसके पीछे कारण छुपा है। जब वानर सेना और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था, तब वानरों द्वारा जो राक्षस घायल होते थे या फिर जिन राक्षसों का वध होता था, तो वे लंकापति रावण की आज्ञा के अनुसार समुद्र में फेंक दिए जाते थे, ताकि शत्रुओं को उनके मरे और घायल राक्षसों की संख्या का पता ना चले। यही कारण था कि हनुमान जी द्वारा लाई संजीवनी बूटी का असर राक्षस सेना पर नहीं हुआ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।